कर्ज इस माटी का चुकाए बिना ढल जाए। बताओ दोस्तों वो जवानी किस काम की। बहुत बढ़िया भाई, दक्षिण दिशा में एलपीएस की टीम जीत के गई है। यहां पर अब ये भी प्रतिज्ञा कर लें कि इसी दिशा में रहते हुए हम भी जीत दर्ज करेंगे। बढ़िया चाचा जी, बात एक जीरो है ना, एक बराबर। उसी के साथ दो एक बढ़िया, कोई नहीं चिराग चल खेल गए, वो बोल के खेल। बढ़िया बैठे ब्लॉक को चीर दिया इस बार और दो 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 बराबर कर दिया। इस बार बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ है दिल्ली पुलिस की टीम, सकारात्मक सोच के साथ। बहुत बढ़िया जवाब मोहित ने, तीसरा पॉइंट लेकर एक कदम पीछे छोड़ दिया एलपीएस को। फिर तीन तीन बराबर। सूरज आज पूरब की बजाय कंडेरा में पश्चिम से निकलेगा। भाई वाह, यहां पर बेहद खतरनाक अंदाज में और चौथा पॉइंट बनाकर एक पॉइंट की लीड बना ली। मैं अपने देश का हरदम सम्मान करता हूं, यहां की मिट्टी का ही बस गुणगान करता हूं। मुझे डर नहीं है जरा भी अपनी मौत से, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूं। गेम यहां का साल दो साल पुराना गेम नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है कंडेरा का। चोली राम इनका साथ है वॉलीबॉल सर। इसी के साथ बहुत बढ़िया जगह पड़ रहा है, ये रेडियो भाई चित्त होने का संकेत दे रहा है। बहुत शुक्रिया भाई पुष्पेंद्र भाई ने खुश होकर ये 100 रुपए इससे मुझे सम्मानित किया, मेरे लिए ये 1000 के बराबर है। बेसिकली ये छोटे से बिलोंग करते हैं जो सरधाना के पास स्थित गांव है। कोई बात नहीं, इस बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलत फहमी हो गई। 7-8 डॉटाली की दर्शी थी, गलती करने के लिए मजबूर कर देते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, 9-7 बहुत बढ़िया बोल रहा हूं भाई। भाई ये युवा पीढ़ी अगर ऐसे चलती रही तो हमारे मुजफ्फरनगर का नाम, क्योंकि मुजफ्फरनगर के गांव से बिलोंग करती है ये, और भी ज्यादा सर्वोपरि हो जाएगा और फिर पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा जब ये बाहर जाएंगे दूसरे राज्यों में, उसमें बागपत भी शामिल है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर खेलों में वर्चस्व की नहीं 2 जिलों का है तो उसमें मुजफ्फरनगर और बागपत शामिल है। बाकी बड़े बड़े जिले हैं मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में बागपत। दिमाग लगा ले,
भाई अगला जो मैच है वो निर्भय क्लब वर्सेज LPSA, ये तो बी है जो खेल रही है, ये तो भी शेर के बच्चे हैं, शेर आएंगे अगले मैच में। स्कोर कितना है? 8-11 कितना है? 8-11। बहुत बढ़िया, ये देखे भाई कहीं पे निकाले कहीं पे निशाना, देख रहे थे सड़क की तरफ और काम पीछे की तरफ कर दिया। देखो यहां पर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की गई, असंभव को संभव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कोई बात नहीं, लीड बरकरार है अभी, स्कोर है 9-12, 9-12, 13। बच्चों की रफ्तार देखिए भाई, आप सिर्फ खेल के ऊपर ध्यान न दें बल्कि क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स को देखें। पॉइंटों की भूख और जीत की तमन्ना किस कदर है ये देखें आप। लीग भी आ रही है, लीग से लीग में 7 टीमें हैं और अगली जो 2023 की लीग होगी उसमें और भी ज्यादा टीमें शामिल होंगी। हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं, हमारे बागपत और मुजफ्फरनगर के बच्चे उसमें खेलते हुए दिखाई देंगे, और जो सूर्यांश है उसकी भी बोली लगी हुई है जो थोड़ी देर में या कल दिखाई देगा मैच में। 10-15 लो भाई 16-10। मोहित भाई को इस मैच में अगर किसी वजह से पीछे रह जाते हैं तो अगले मैच के लिए टीम को और स्ट्रांग और मजबूत करने की जरूरत है, अपने बॉडी के अंदर थोड़ी सी तीव्रता और लाने की जरूरत है, तेजी लाने की जरूरत है। वो ये सोच रहे थे कि एडवांस में पहुंच गए थे थोड़े से, नेट पे लगने के बाद जब बॉल गई तो उस समय तक देर हो चुकी थी, आधा सेकंड वो पहले ही पहुंच गए थे। फिर गैप में उन्होंने ड्रॉप डालने की कोशिश की और यहां पर सफलता नहीं मिली। स्कोर बढ़कर 13-16, 13 पॉइंट है दिल्ली पुलिस और 16 है LPS। भाई ऐसी प्रतिभाओं को जरूर प्रोत्साहित करने के लिए आना चाहिए आगे। 14-16 बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है टीम ने, अब दर्शकों की संभावनाओं से ऊपर उठकर उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है। ये देखो अपनी इनकी हैसियत तो देखने में नहीं लगती और हकीकत में नहीं लगती कि 15-15, 16-16 साल के बच्चे जिनकी उम्र 35 साल की है उन्हें चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। 17-16 कमी है, 15-17 भाई सोनू भाई ने खाना ना खाया हो तो खाना खाए। सोलह सत्रह है ना, 16-17 बहुत बढ़िया रिकवरी की है और इस बार ये मौका है अपने आप को तीसरे सेट में ले जाने का दिल्ली पुलिस के पास। सत्रह बराबर हो गए, टाइम आउट लिया।
दिया है, चार के लिए। सत्रह सत्रह की बराबरी पहले थी, अब सी LPSA। अब मौके को देखते हुए सही समय पर हमले करने शुरू कर दिए दिल्ली पुलिस ने भी। 18-18 बराबर। उन्नीस अठारह, एक दो गलती अगर और कर दी LPS ने इस समय पर तो खुशी गम में बदल जाएगी। और चली गई, दिल्ली बहुत दूर हो गई थी। 1919 बराबर। लो भाई यहां पर भी लीड बन गई 20-19। अब ये वक्त देखने का बिल्कुल करीब आ गया कि ऊंट किसके बट बैठेगा। पूरी तरह से आओ और वही गलती दोहरानी शुरू कर दी जो पहले सेट में थी। जब 18-18 बराबर कर दिए तो उस समय दिल्ली पुलिस की तरफ से संभावनाएं बननी शुरू हो गई थी कि इस बार अपनी पहले सेट की हार का बदला लेंगे, पर अब विपरीत परिस्थितियां हो गई। बहुत बढ़िया पॉइंट बना 20-21 20-20। अगली सर्विस ड्रॉप डालने की कोशिश की थी, गैप ढूंढना चाह रहे थे, गैप मिला नहीं और तैयार थे, पूरी तरह से गलती करवा दी और इसी के साथ 22-20। पहले मैच में भी 2-0 से हार जीत हुई। आर्मी की टीम कुरुक्षेत्र के हाथों सीधे सेटों में 25-22 25-19 से हार गई। एक हार हो जाए तो कोई बात नहीं, दो दूसरी हार से बचने की जरूरत है। सीधा स्टेट ब्लॉक नहीं रहा और स्कोर 21-22 21-22। हाँ बिल्कुल भाई, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र पढ़ रखा है और बात भी हकीकत में भी सच्ची हो रही है, जो कह देते हैं वो हो जाता है। 22-21 22-21 है अगली सर्विस LPS लक्ष्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली की जानी से। तो 22-22 का स्कोर, बहुत रोमांचक सेट है। दूसरा सेट, पहला सेट जीता था लक्ष्मी पब्लिक स्कूल ने, ब्लॉक के हाथों के बीच से बॉल को निकाल कर डाउन किया। लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के कोर्ट में पॉइंट दिलाए और दिल्ली पुलिस को 23-22 का स्कोर। अच्छा अच्छा 23-22 है भाई स्कोर।
बहुत बढ़िया भाई, जाकर राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। फिलहाल 23-23 बराबर भाई। निर्भय कलर वसी जल पे से के साथ साथ यहां पर ये अब सेट पॉइंट इधर से 24-24 बराबर करने की चुनौती अब एलपीएस के पास। पूरी तरह से चेक करवा दी है 24-24 बराबर लीड बाय 2 के ऊपर। अब ये सेट पहुंच गया है। लीड बाय 2 का मतलब कंटिन्यू 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू विन, लगातार 2 अंकों की आवश्यकता है। 24-24 बराबर होने का मतलब मैच रोमांचक स्थिति में है। फिलहाल किसी भी तरफ मामला पड़ सकता है और 1.3 में दे दिया 25-24 यानी 1-0। बिल्कुल ये 1 पॉइंट की और बात है। अगर किसी वजह से ब्लॉक हो गया एलपीएस की तरफ से बढ़िया तो मामला यही पर शांत हो जाएगा। जीत लिया ये मैच। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सुनना क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।